सोलन के कंडाघाट में नवविवाहिता पति पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि पति का शव फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका मिला है, तो वहीं पत्नी का शव उसी पेड़ के नीचे पड़ा मिला है। पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए सोलन अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। डीएसपी सोलन अमित ठाकुर ने बताया कि विशा गांव के प्रधान ने उन्हें दो शवों के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां दो शव मौजूद थे। ग्रामवासियों के अनुसार ये शव नवविवाहित पति पत्नी के थे। फिलहाल शवों को कब्जे में ले लिया गया है और एफएसएल की टीम इस घटना की गहनता से जांच कर रही है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों मृतक नेपाल के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि दोनों शव बोरियों में लपेटकर सोलन अस्पताल लाए गए, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संवेदनहीन कंडाघाट पुलिस के पास शायद स्ट्रेचर का प्रबंध नहीं हो पाया है और यही कारण है कि वे शवों को बोरियों में उठाकर सोलन लाई है। ग्राम पंचायत बिशा के प्रधान ने पुलिस स्टेशन पर फोन किया कि बिशा गांव के साथ लगते जंगल में दो लोगों की डेड बॉडीज पाई गई हैं, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO कंडाघाट और उनकी टीम जो स्पॉट पर पहुंची और वहां पर स्पॉट की कार्रवाई की, स्पॉट को सिक्योर किया, फिर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये सारी एग्जामिनेशन स्पॉट की और डेड बॉडीज़ की गई। दोनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए RH Solan भेजा गया है। ये मरने वाले जो हैं नेपाली मूल के लेबरर्स हैं जो वहाँ पर लेबर का काम कर रहे थे बिशा में। पिछले 1.5 महीने से ये वहाँ रह रहे थे और इनके नाम प्रवीण और अस्मिता हैं। ये स्पॉट के जो विटनेसेस हैं, इनके पड़ोसी हैं, उनके बयान के हिसाब से ये न्यूली वेड कपल हैं और इनकी उम्र जो है क्रमशः 23 और 20 साल है। अभी हम हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फाइनली ये क्या मामला था, कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये सब कुछ जो है, इन सभी सवालों के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी।